जिस नेता के नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता जिसमें काम करता हूँ उनको बिलीव है, विश्वास है, जो संविधान में है उसको उतारते भी हैं। विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनका भी दौर लोगों ने देखा है, कैसे बिहार में चलाए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के पूरे देश भर में सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। वहीं अगर बातचीत करें बिहार में और खासतौर पर जदयू के अंदर, जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं, जो मुसलमान नेता हैं, एमएलसी हैं, वो लगातार इस बिल और इस कानून को लेकर के अपना विरोध जता रहे हैं। हमने आपको गुलाम गौस से बातचीत कराई, जो जदयू के एमएलसी थे, उनकी बयानों को सुनाया। उसके पहले जो मुसलमान नेता हैं वो भी काफी ज्यादा इस बिल को लेकर के नाराज चल रहे हैं। अब इस नाराजगी में एक बार फिर एक बड़े मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी जमा खान, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी नाराजगी अपनी जता दी है। अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम जो नेता हैं वो काफी ज्यादा वक्फ बोर्ड को लेकर के अपने नाराजगी जता रहे हैं। जदयू में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेशक इस बिल पर अपनी जो राय है वो रखेंगे और जो कुछ भी मुसलमानों के हित में होगा इस पर वो बड़ा फैसला करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जमा खान ने आज अपने विभाग से जुड़े तमाम चीजों को रखा है कि क्या अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में, अल्पसंख्यक विभाग में इस वक्त नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं जमा खान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो कि आप मीडिया के साथी हैं, सबसे जानते हैं, ज्यादा आप जानते हैं, जिस नेता के नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं, जो नेता जिसमें काम करता हूं उनको बिलीव है, विश्वास है, जो संविधान में है उसको उतारते भी हैं। और जो भी लोग विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनका भी दौर लोगों ने देखा है, कैसे बिहार में चलाए हैं, बिहार के साथ कैसे भेदभाव करा है, ये सब जानता है। मैं उनकी बातें नहीं करना चाहता, आलोचना भी करना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को आलोचना भी नहीं करना चाहूँगा जो आदमी काम के ही नहीं है। मेरा नेता नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर विकास भी किया है, विकास के साथ साथ इस बात पर हमने ध्यान रखा है, बराबर किसी भी समाज को चोट न पहुँचे, किसी धर्म जाति को चोट न पहुँचे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जात की नहीं जमात की बात किया है, जमात में उन्होंने काम किया है। आज देश की चिंता उनको भी है, क्योंकि देश में वो आ चुके हैं, तो देश के अंदर ऐसा कुछ ना होने पाए जिससे कि भाईचारा का नुकसान हो, इससे उन्हें ध्यान रखा है। आपको जानकारी भी होगा, जो बातें उठी थी उसमें उन्होंने बात करके, आपको सारी जानकारी है, जो आज समिति बंद समिति में चला गया, जो बैठक चलेगी, आगे डिबेट पड़ेगा, जो भी तमाम लोग रहेंगे उसमें डिबेट होगा, वो बात करें। लेकिन ऐसा नेता हमारा चाहते हैं कि देश और प्रदेश के अंदर कहीं नुकसान न हो, भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, जो संविधान में बातें हैं उस संविधान के अनुसार ये देश चले, ये नेता हमारे जो बराबर किए आज भी कर रहे हैं। कोशिश कर रही है, मतलब नहीं, वो लोग पॉलिटिकल बात करता है, दिल की हार्ट की बात नहीं करता। हार्ट दिल से प्यार उनको नहीं है, उनको सिर्फ अपने कुर्सी का प्यार है। उस कुर्सी के कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को बुरा भला कर सकते हैं, कोई बात बक सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी पॉलिटिक्स कुर्सी की नहीं की, पॉलिटिक्स हमेशा भाईचारा मोहब्बत का, बिहार के विकास उन्होंने किया। आज तक इतिहास गवाह है, 2005 के बाद जब से उन्होंने बिहार को संभाला है, मैं इस बात को बराबर चैलेंज करता हूँ, एक भी विपक्षी के मेरा भाई खा होकर कह दे कि उनके में कमी है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नेता नीतीश कुमार जी ने वोट देता है नहीं देता कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ बिहार का विकास, बिहार का सौहार्द बना रहे, इस पर 24 घंटा वो लगे रहते हैं, जो आप भी जानते हैं। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।